हाँ, अब ये आप लोगों का आई थिंक दूसरा बैच मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने इतना नहीं पढ़ाया किसी को, ठीक है? ये पहला बैच इन्हें पढ़ाया है, नहीं तीसरा टाइम है पढ़ाने का, आप थर्ड बच्चे हो, एक मेरे घर में भी आती थी पढ़ने। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप CSS। अब क्या है, ये हमारे CSS का फोल्डर है, इसको ड्रैग ड्रॉप मत करो, CSS के अंदर आप लोग डेट बना लो आज, कंट्रोल शिफ्ट 10, यहाँ पे आज की डेट क्या है, 24 अप्रैल 2017, ठीक है? इसको ड्रैग ड्रॉप कर लो यहाँ पे, इसको मैं कह रही हूँ रिमूव कर लो, डिलीट नहीं करना, रिमूव करना है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करो। डिलीट कर दोगे वो पीछे से जो आपने फाइल बनाई है ना, वो भी उड़ जाएगी आपको, रिमूव करोगे तो वो सिर्फ इधर से रिमूव हो गया। अच्छा, अब आसान है क्या, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, CSS एक्चुअली है क्या। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फाइल बना रही हूँ index.html, ठीक है? सबसे पहले फिर वही आपका काम है, यहाँ पे ये, यहाँ पे आज आपका CSS का फर्स्ट लेक्चर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल ले रही हूँ, टेबल में ज्यादा अच्छा लिख होता है, टेबल, उसके अंदर मैं एक tr ले रही हूँ, टेबल रो, उसके अंदर एक th ले रही हूँ, टेबल हेडिंग। यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं लिखती हूँ, अच्छा टेबल को पहले बॉर्डर शॉर्डर दे दो, बॉर्डर टेबल की आपको अच्छी तरह समझ आई है, हाँ। उसके बाद आप दे दो सेल स्पेसिंग 0, मैं कर देती हूँ, सेल पैडिंग जो है वो मैं 10 कर देती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ इसकी जो वर्थ है ना, वर्थ सेल स्पेसिंग करता क्या पहले, ये देखो फॉर एग्जांपल सेल स्पेसिंग मैं यहाँ से 10 दे रही हूँ, अच्छा अभी आप वर्थ देख लो, वर्थ मैं इसकी कहती हूँ 60% हो जाए मेरे पास, चल हाँ 60%, ये इधर ही आ जाएगा, ये इधर, अच्छा यहाँ मैं इसको कहती हूँ 60% हो जाए इसकी वर्थ, यानी इस तरह वर्थ 60% हो जाए, और ये क्या हो अलाइन सेंटर में हो जाए। अभी देखो सेल स्पेसिंग मैंने 10 की है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इन ब्राउजर करते हैं, ये देखो ये डबलिंग आ रही है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर देती हूँ सेल स्पेसिंग को, वो क्या होगा, बस एक बॉर्डर सा बना आ जाएगा हमारे पास इसका, बस मैम ज्यादातर ऐसे ही होता है, हाँ सेल स्पेसिंग में 0 ही होता है, हाँ। अच्छा, अब आप क्या, मैं आपको वैसे ही CSS का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, यहाँ पे ही दे देती हूँ, ठीक है? कॉपी की भी कर दूँ ताकि वो बिलाल वीडियो ले तो उसको भी समझ आ जाए। अच्छा, आपने ये वाला टैग पढ़ा हुआ है DL डाटा लिस्ट, हाँ शुरू शुरू, हाँ डाटा लिस्ट एक होता है, उसके अंदर एक हमारे पास होता है डाटा टाइटल, मैं कहती हूँ हमारे पास टाइटल है CSS, उसके बाद है डेटा डिस्क्रिप्शन कि CSS एक्चुअली है क्या, मैं यहाँ पे लिखती हूँ CSS stands for, सर बिलाल हटना चाहता है ना, सर CSS stand for case, देखो ना, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हेडिंग वैसे ही समझा रही हूँ, स्टाइल शीट ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए, यहाँ पे जाते हैं और ये इसको आप TH ना लो, TD ले लो ताकि वो सेंटर में ना आए, TD, हाँ ये CSS stands for Cascading Style Sheet, ठीक है? इटैलिक में इसलिए लिखा है ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए ये वाली चीज, ठीक है?
अब थोड़ा प्यारा लग रहा है ना कि सी एस एस स्टैंड फॉर, ये थोड़ा उसमें लिख दिया इटैलिक। हाँ ठीक है, उसके बाद आप इसको बोल्ड करना चाहते हो सी एस एस को, तो यहाँ पे जाके बी टैग लगा दो, थोड़ी आपकी एच टी एम एल भी रिवाइज हो जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब सी एस एस यूज किसके लिए करते हैं, यहाँ पे जाके लिखो इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड कलरिंग ऑफ वेब पेज। ठीक है, मुझे आई की नहीं समझ लगी, आई लिखना इटैलिक है, इटैलिक मतलब नीचे लिखने के लिए है ये वाला आई, ये वाला नहीं हसान, ये देखो थोड़ा इटैलिक नहीं हो गया, उसके लिए है थोड़ा इटैलिक होने के लिए। ठीक है, अब क्या है, मैंने उसको कहा है कि इट इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग एंड कलरिंग ऑफ वेब पेजेस। क्या करता है, वेब पेजेस को डिज़ाइन और कलर कलरिंग प्रोवाइड करता है उनको, वेब पेजेस जितने भी कलर्स हैं वेब पेजेस के वो सी एस एस से हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इट गिव्स अट्रैक्टिव लेआउट ऑफ वेब साइट्स, जितने भी होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं ना, लाइक सर की वेबसाइट ओपन करो एक अट्रैक्टिव सा आ रहा होता है कलरिंग स्कीम। ठीक है, ये है हमारे पास सी एस एस। ठीक है, अब ये देखो ये आई टैग में लिखा है ना जो, वो इस तरह है, बाकी सारे वैसे ओरिजिनल ही है। ठीक है, एक वो भी सिखाया था ना जो आपने कोई लाइन बहुत जरूरी होती है जिसे मार करनी होती है, मार कर दिया तो उसको यहां से मार्क टैग में ऐड हो सकता है, मतलब ये उस तरह की नहीं है भाई, ये डिफरेंट ही है। आपको सीएसएस की समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे एक और डीएल ले लो, उसके अंदर फिर डी टी प्लस डी डी, डाटा लिस्ट में क्या है। अच्छा, उसके बाद आप दोबारा टाइटल दे दो इसकी, टाइप्स सी एस एस की टाइप्स कितनी होती हैं, और डिटेल डिस्क्रिप्शन में, डाटा डिस्क्रिप्शन में लिख दो, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं, बोल्ड इट consist of following types। अच्छा, अब वो types कौन कौन सी हैं हमारे पास, description list में मैं लिख रही हूँ, ul के अंदर, बल्कि ol ले लो, के अंदर li multiply by 3। ठीक है, कितनी टाइप्स होती है, एक हमारे पास इन लाइन सी एस एस होती है, एक हमारे पास इंटरनल सी एस एस होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल सी एस एस। देखो इसके ऊपर ऐसे कितनी होती है, इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस और एक्सटर्नल सी एस एस। ये आपको वैसे समझा रही हूँ, इतना परेशान ना होना। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ तो अच्छा, अब इनलाइन सी एस एस क्या होती है, ठीक है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। यहाँ पे आप ऐसे फिर वो लिखो डी एल, उसके अंदर डी टी प्लस डी डी। अब प्लस का क्या मतलब होता है, ताके उसके अंदर ना हो, मतलब डी टी उसके नीचे हो। ठीक है, मैं तो मैंने भी ट्राई किया, मैं वैसे ही कम आ रहा तो बैठे बैठे वो आके मैं हाँ, नीचे ये देखो ऐसे, अगर मैं इसको ये वाला कर देती प्लस की जगह
ये वाला मैं उसके अंदर ही आ जाना था। हाँ, ये उसके अंदर ही आ जाना था। यहाँ पे ये देखो डी डी के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या है, अंदर नहीं लेना, बाहर ही लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर अंडू, ये अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ इंटरनल, ओ सॉरी इन लाइन का बताना है। इन लाइन सी एस एस क्या होती है, इसको भी आप बोल्ड कर दो। ठीक है, इन लाइन सी एस एस एक्चुअली होती क्या है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। द टाइप ऑफ सी एस एस इन विच वी अप्लाई क्यू फॉर कोटेशन स्टाइल, हाँ कॉमा, इन विच वी अप्लाई स्टाइल और यहाँ पे आई एट्रीब्यूट, उसको मैं कह रही हूँ इटैलिक में हो। इन विच वी अप्लाई स्टाइल एट्रीब्यूट इन साइड द टैग, ये देखो इसकी आउटपुट, ठीक है। द टाइप ऑफ सी एस एस इन विच वी अप्लाई स्टाइल एट्रीब्यूट, ये आई से इस तरह थोड़ा बेंड हो गया है, ठीक है, और क्यू से ये ऊपर कॉमास आ गए हैं, क्यू, हाँ ठीक है। इन विच वी अप्लाई स्टाइल एट्रीब्यूट इन साइड द टैग, अब इन साइड द टैग क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आप स्टाइल लगा सकते हो, यानी स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाई यूजिंग स्टाइल, इतनी समझ आ गई। अब यहाँ पे आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, स्टाइल इस तरह, ये ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इन लाइन, यानी हम किसी भी टैग के अंदर स्टाइल अप्लाई करें, समझ आ गई। फिर दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे डीएल था ना, कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट। अब यहाँ पे सॉरी, टाइप्स में आ गया, यहाँ से इसको करो कॉपी और इंटरनल की जगह क्या करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल सी एस एस। अब इसमें क्या है, द टाइप ऑफ सी एस एस इन विच वी अप्लाई स्टाइल नॉट एट्रीब्यूट टैग इन साइड द फाइल। अब क्या होगा कि इंटरनल में क्या होगा कि आप लोग हेड के अंदर ना स्टाइल इस तरह आप लिखोगे, ये स्टाइल क्या है, टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, तो स्टाइल टैग। एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसका कोई ओपनिंग ना या क्लोजिंग ना हो, सिर्फ डबल कोटेशन में लिखा गया हो, लाइक ये हमारा, इसको हम कहेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और इसको कहेंगे स्टाइल टैग। ये है स्टाइल एट्रीब्यूट और ये है टैग। ये देखो ना, बॉडी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इन सबको हम टैग कहते हैं, इसका भी ओपनिंग और, तो ये भी टैग हो गया स्टाइल टैग। और ये एट्रीब्यूट है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। ये अंदर जहां बॉडी ले, जो बॉडी के अंदर स्टाइल लिखा है, वो अंदर के का, अंदर का काम, हाँ, वो सिर्फ बॉडी को करेगा, बॉडी को करेगा। जो बाहर वाला स्टाइल पिंक कलर में है, वो बाहर के पूरे हाँ पूरे को कर सकता है, ठीक है। ये देखो,
ये इंटर ये जो वैल्यू ये अगर वैल्यू उसके बाद ये देखो ये वही सारा हो गया टैग उसने थोड़ा इस तरह बेंड कर दिया वो भी मैंने आई में लिखा है ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है यहाँ पे आपने लिखना है यही सारा कॉपी करो और यहाँ पे क्या करो आप पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या कर दो एक्सटर्नल द टाइप ऑफ सी एस एस इन विच वी अप्लाई स्टाइलिंग नॉट ये कोई इन विच वी अप्लाई स्टाइलिंग इन बाय मेकिंग न्यू फाइल फाइल having extension dot css अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। जो external css होती है ना वो हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके ना एक नई फाइल बना लेते हैं new फाइल बना लेते हैं उसमें हम सारी styling apply कर देते हैं बजाय इसके कि सारी स्टाइलिंग इधर अप्लाई की जाए इंटरनल ठीक है। ये हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं सीएसएस। कोई क्वेश्चन इसमें से ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास थर्ड क्या आ गई है उसकी डिक्लेरेशन हम इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं ठीक है। यहाँ पे फिर डी एल ले लो उसके अंदर डी टी डी एल ले लो उसके अंदर क्या है dt plus dd। अच्छा यहाँ पे क्या है आपका डिक्लेरेशन। अच्छा इनको डिक्लेयर करने करने के कौन कौन से आप लोग यहाँ पे लिखो ओवल में थ्री मेथड्स हैं डिक्लेयर करने के li मल्टीप्लाई बाय थ्री ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है by यहाँ पे बोल्ड में लिख रही हूँ by id id ठीक है। ये क्या होता है represents by hash ये सबसे पहला तरीका क्या होता है हम आईडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी किसी भी जाके अगर आप डीटी को कलर देना चाहते हो उसको एक आईडी दे दो आईडी में कोई भी नाम दे दो जैसे आपने उधर किया था जेक्यूरी में कोई भी नाम दे सकते हो क्या उसको कलरिंग अप्लाई करो और आईडी को हमेशा अपने हैश से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद ये भी आपको मैं डिटेल से पढ़ाती हूँ जरा डिक्लेरेशन को बोल्ड कर देते हैं यहाँ से उसके बाद यही लाइन को कॉपी करो और यहाँ पे जाके क्या करो पेस्ट करो आईडी के बाद क्या है बाय क्लास और क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट और थर्ड हमारे पास क्या होता है बाय टैग। टैग रिप्रेजेंट किसे होता है बाय टैग नेम ही जो टैग का नाम होता है ना फॉर एग्जांपल एच वन टैग तो उसका नाम ही यहाँ पे लिख दो एच वन ऐसे ठीक है बाय टैग नेम। ठीक है सर ये आपकी हो गई थोड़ा बहुत ओवरव्यू। अब होता क्या है आप कहते हो कि मैडम वही तीनों चीजें अप्लाई कर करके दिखाएं। सबसे पहले हम करते हैं इनलाइन। इनलाइन क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये वाला डिक्लेरेशन का टैग है आप इसको कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टाइल एट्रीब्यूट ठीक है इसको कलर दे दो इस तरह कलर लिखना है
कलर मैं इसको रेड देना चाहती हूँ तो क्या तब भी टैब दबाना जब कलर लिख लेगा तब भी टैब दबाना नहीं 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 वो नहीं हो जाएगा हाँ अब मैं पूरा कलर लिख के आगे ये दो डॉट्स डाल देंगे दो डॉट्स डाल दो तो बुद्धि आ जाएगा ये देखो ना कलर की बात कलर में लिखा हुआ हाँ ये होता है ना सफेद में भी लिखा हुआ रहता है या हाँ ये देखो आपने सिंपल स्टाइल और ये एट्रीब्यूट वाले को क्लिक करना है ये डबल टी आर जहाँ पे लिखा हुआ ये उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कलर और ये कलर ऊपर ही आ जाएगा इसको क्लिक कर और यहाँ पर रेड जो भी कलर आपने देना है रेड ग्रीन ब्लू और रेड आ जाएगा ये आपका क्या होता है इनलाइन अब आपने इंटरनल यूज करना है अब आप कहते हो मैडम मैं चाहता हूँ कि जितने भी डीटीएस है ना आपने लिए हुए डाटा टाइटल जितने भी टाइटल हैं उनके जो कलर्स है ना वो ग्रीन हो जाए आपने क्या करना है यहाँ पे इस तरह स्टाइल टैग हेड के नीचे अंदर ही अप्लाई करना है हेड के अंदर ठीक है यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि जितने भी आपके पास डीटीज है ना उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए अब क्या हाँ अब डीटी लिख के आपने ये दो ब्रैकेट्स लगा देनी है और यहाँ पे नहीं खुद लगानी है आपने ठीक है ये वाली ब्रैकेट्स इधर से मैं दोबारा आपको कर देती हूँ स्टाइल टैग लिखा फिर डी टी यानी जितने भी डाटा टाइटल्स है ना फिर ये ब्रैकेट्स लगाई एक ब्रैकेट पे क्लिक करोगे दोनों आ जाएंगे मैं कहती हूँ यहाँ पे जो कलर है ना वो ग्रीन हो जाए ग्रीन लिखे यहाँ पे सेमी कॉलन सेव करके अब जितने भी हमारे पास है वो ग्रीन हो गई है नज़र आ रही है ग्रीन लेकिन ये वाली नहीं हुई क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो इन लाइन को है यानी जो चीज आप इन लाइन में लिखोगे ना वो सबसे पहले मानी जाएगी इन लाइन में ये वाली चीज ये सबसे पहले मानी जाएगी इसको मतलब जितना मर्जी पहले लगा जो कलर वो ना एक ही है क्योंकि मैं आपने कहा है ना जिस तरह एक पैराग्राफ है उसमें हमने पहले स्टाइल लिख के कलर डाल दिया अगर उसमें आप इन लाइन लगाओगे मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट से लगाओगे ना वो एट्रीब्यूट को ज्यादा फिर मानेगा अगर आप फिर उसको जितना मर्जी उसको ऊपर स्टाइल टैग में कलर अप्लाई करते जाओ उसने नहीं मानना ठीक है सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी होती है वो जो इसमें पहले लिखा है वो इसको पहले मानेगा उसके बाद आप एक्सटर्नल की बात करते हो आप कहते हो क्या मैं बार बार ऊपर जाऊं और स्टाइल अप्लाई करूं फिर नीचे आऊँ फिर अपना काम करूँ फिर ऊपर जाऊँ स्टाइल अप्लाई करूँ उसके लिए आप यहाँ पे एक और फाइल बना लो पहले एक फोल्डर बनाओ उसको नाम दे दो CSS फिर अंदर जाके एक फाइल बना लो स्टाइल जो मर्जी इधर नाम दो लेकिन एक्सटेंशन उसकी CSS आनी चाहिए ऐसे ठीक है अब इस डेफिनेशन की कुछ समझ आई मैंने कहा कि The type of CSS in which we apply styling by making new file having extension .css ये देखो .css extension नाम style की जगह जो मर्जी दे दो ठीक है अब आप यहाँ से अपने सारे styling को ये आपने styling apply की है ना यहाँ पे ये सारे यहाँ से cut करो और यहाँ पे जाके आप आराम से paste करो देखो आपकी स्टाइलिंग सेव करो और देखो आपकी स्टाइलिंग चलती है कि नहीं नहीं चली वो कहता है जब मैं खुद स्टाइल CSS हूँ तो मुझे स्टाइल देने की क्या ज़रूरत है इसको काटो और बस जो स्टाइल देना है वो अप्लाई करो ठीक है और अब देखते हैं चला है कि नहीं चला अब उसको कैसे पता कि मैंने अलग फाइल से जाके उठाना है जब तक लिंक नहीं करोगे उसे नहीं पता लगना मेन फाइल पर आपने क्या करना है लिंक करवा देना हेड टैग के अंदर ही टाइटल के बिल्कुल नीचे आपने कहना है कि यहाँ से यहाँ पे काम कर रहे हो ना इंडेक्स आपने कहना है कि यहाँ से CSS के अंदर जाओ वहाँ पे आपके पास स्टाइल
डॉट सी एस एस पढ़ा हो, हाँ ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करेगा आपका वो सारा क्या कर देगा, ग्रीन हो गया, ठीक है, समझ आ गई। वो लाइन नहीं हुई जो दी टाइप ऑफ सी एस एस इन व्हिच वी अप्लाई जो लिखे हैं, उस लाइन को करना है, अगर उस लाइन को करना चाहे प्योर कलर में, हाँ आपको हो गया है इन लाइन इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर हो गया। ज्यादा बेहतर होता है कि आप एक्सटर्नल बनाओ आराम से, यहाँ पे कोडिंग करो, यहाँ पे डिजाइन कलरिंग अप्लाई कर दे, बार बार ऊपर जाना फिर नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला काम करना शुरू, अगला काम क्या, अब हम अगला काम करना चाहते हैं जिसमें हम नीचे तीन पैराग्राफ का हमने लिख रही है डिक्लेरेशन तक, अगर हम उसे नीचे और लिखना चाहते हैं ताकि कलरिंग भी ग्रीन ही रहे, तो फिर वो कलर वो भी ग्रीन ही होता जाएगा साथ साथ। अगर आप तो इस तरह इंटरनल इन लाइन अप्लाई कर रहे हो ना, फिर तो वो यही मानेगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे जाके मतलब ये नहीं अप्लाई कर रहे और यहाँ पे, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैडम कि ये जो जितने डिटेल्स है ना मेरे पास, इन तीनों का कलर और हो, इन तीनों का कलर और हो, ये फिर उस तरह ही होगा जैसे डिक्लेरेशन का दिया, लेकिन ये सारे डीटीज है ना, अब अगर मैं डीटी को कलर दूं तो वो सारे एक ही कलर देना पड़ेगा, मसला आ गया कि नहीं। अब आप क्या यूज करोगे, क्लास और आईडीज, ठीक है। अब आप कहते हो मैं इसको रिमूव करूं ताकि ग्रीन ही कलर इसका भी रहे, अभी देखो सारे डिटेल्स हमारे पास ग्रीन है, लेकिन आप चाहते हो ये जो तीन है ना ये किसी और कलर में देना चाहते हैं तो क्लास आईडी इसके लिए, हाँ क्लास या आईडी, आईडी ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जाओ आप, ये तीन है ना इनको डिटेल्स टाइटल को तीनों को, अगर आपने तीनों को एक जैसा कलर देना है तो क्लास अप्लाई कर दो, क्लास कोई भी इनका नाम दे दो, मैं कहती हूँ सी एस एस थ्री, कोई भी नाम दे दो, ठीक है, लेकिन कोई ना मिलता जुलता सा नाम देना, हाँ। अब यहाँ पे जाके आप कहते हो कि मैंने एक सी एस एस थ्री ली है, अब ये इस तरह नहीं इसमें चलना, ये तो फिर टैग ही मानेगा, यहाँ पे आपने क्या लगा देना है डॉट, अब वो क्लास को मानेंगे। अब आप कहते हो कि जितने भी हैं इनका क्या हो, कलर क्या हो, पर्पल कर देते हैं, चलो ब्लू कर देते, ठीक है, आगे समझ। अब आप कहते हो कि मैडम मैं चाहता हूँ कि ये जो इंटरनल है ना इसका कोई और कलर हो, पहले का और दूसरे का और, हाँ ऐसे भी, तो आपने क्या करना है जैसे आईडी दे देनी है, अब इंटरनल का कलर आप चेंज करना चाहते हो ना इसका, तो यहाँ पे एक आईडी दे दो, जैसे अब आपका नाम हसान है, पूरा नाम क्या है, नदीम, अच्छा क्लास में मैडम आती मैम कहती है हसान नदीम, हसान नदीम आप दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में पता है कितने फेसबुक पे देखो सारे आते हैं, हाँ तो हसान नदीम नाम के बहुत, अगर आपका कोई स्पेसिफिक रोल नंबर है मैं कहती हूँ 2456 खड़ा हो जाए तो आप खड़े हो, अब वो यूनिकनेस है ना आपकी एक आईडी है, तो आईडी आपने हमेशा यूनिक देनी है, मतलब आईडी हमेशा हाँ देखो क्लास तो हमने तीनों को एक ही दे दी है ना सीएसएस 3, आईडी हमेशा आपने अलग देनी है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आईडी सीएसएस, इसमें तो क्लास है इसमें सीएसएस 3 लगा दी हूँ, तीनों कलर के हो गए, अगर अब हम इसका स्पेसिफिक नाम कोई रोल नंबर दे देंगे तो हम उसके अंदर आईडी लगा देंगे, हाँ। ताकि वो एक ही बंदे का एक हाँ। रोल नंबर सप्लाई है ताकि वो खास तरह का ही हो जाए, एक कलर में ही आ जाए ये जो अगर। अब आपने कहना है कि मैम सीएसएस को जाके कलर आप दे दें रेड, सॉरी अब सी एस एस ऐसे नहीं चलेगा, जब तक आपको मैंने कहा था आई डी किससे रिप्रेजेंट करनी, हैश से, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इसको कलर रेड, ठीक
ठीक है, आसान इस तरह भी कर सकते हो, काफ़ी तरीके होते हैं कि आप ना यहाँ पे जाओ और इसको काट दो, ठीक है, वो आपका फिर ग्रीन वो ब्लू कलर मिट जाएगा, फिर ब्लैक ही हो जाएगा, तो उसको आप फिर अलग से आईडी दे दो, आईडी दोगे तो फिर अब रेड आ जाएगा। अच्छा, अब क्लास और आईडी, क्लास आईडी और टैग, ये तीन चीजें आपको मैंने पढ़ाई है ना, यहाँ पे जाओ और देखो ये कि जो आईडी रिप्रेजेंट बाय हैश, अगर आपने वहाँ पे आईडी लेना है तो उसको हैश से कलरिंग अप्लाई करनी है, अगर आपने क्लास लेना है तो उसको डॉट से, अगर आपने टैग लेना है तो उसको बस टैग का नाम लिख दो। अब इसमें से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, आईडी की, यानी अगर यहाँ पे क्लास भी लिखा हुआ है और आईडी भी लिखा हुआ है, क्लास को ग्रीन कलर दिया है, इसको रेड कलर दिया है, अब दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है, कि मैं ग्रीन मानूँ या रेड मानूँ, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी क्या दे दी, आईडी को दे दी, कि आईडी बेशक क्लास लिखा हो, अगर आईडी आ गई तो आईडी की ही बात मानी जाएगी, जो सीनियर होते हैं हाँ यूनिकनेस की बात मानी जाएगी, जो मॉनिटर होता है उसको ज़्यादा बात माननी पड़ती है, ठीक है, ये इस तरह। अच्छा, और उसके बाद फिर क्लास की बात मानी जाएगी, उसके बाद फिर टैग की बात मानी जाएगी, जैसे मॉनिटर का एब्सेंट होता है, नीचे वाले का मॉनिटर जो सेकंड होता है उसकी बात माननी पड़ती है, हाँ, फिर उसके बाद पूरी क्लास की बात माननी पड़ती है टैग वाली, ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये बातें आगे समझ। अच्छा, अब आसान, ये देखो, ये आपके तो सारे हो गई, इसमें से कोई ना समझ आने वाली बात, आप कहते हो मैडम मैंने इसका कलर चेंज करना है, ये जो आपने लिखा हुआ है सारा, अब आप क्या करो, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल ये है, इसको एक आईडी दे दो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्लास, यहाँ पे आईडी लिख लो और ये वाली आईडी को मिटा दो, क्योंकि दो आईडीज नहीं मानता हूँ, ठीक है, ये चल तो आपका जाएगा, तीनों ग्रीन हो गए, लेकिन बात ये है कि ये तरीका गलत है, तरीका क्यों गलत है, क्योंकि हम चल तो जाएगा आपका को, लेकिन तरीका गलत है, हर चीज का एक तरीका होता है ना, तरीका गलत है, हाँ। आपने क्या करना है, जो ज्यादा चीजों को अगर कलर अप्लाई करना है तो क्लास दे दो, अगर एक को और कलर अप्लाई करना है, एक को और करना है तो आईडी दे दो, ठीक है। अब आप कहते हो मैडम इस लाइन को मैंने कलर चेंज करा, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, फर्स्ट हेडिंग का नाम मैं दे रही हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाके स्टाइल इसका अप्लाई करो, अब आईडी दी है तो यहाँ पे हैश लगाऊंगी और पेस्ट फर्स्ट हेडिंग, तो इसको मैं करती हूँ तुम्हारा जो कलर है ना वो ऑरेंज हो जाए, ये कलरिंग है आपकी सारी, इतनी समझ आ गई। अगर आप कहते हो मैम पूरी बॉडी या ये जो जितना भी है ना टेबल इसका कलर कोई और हो जाए, ब्लैक करना चाहते हो उसका कलर, तो यहाँ पे जाओ, ये आपका टेबल है ना, आप इस तरह टेबल को भी दे सकते हो कि टेबल उसका क्या कलर हो, ब्लैक, टेबल नहीं आएगा। अच्छा, इस तरह कलर नहीं लिखोगे आप इसको बैकग्राउंड कलर लिखोगे, इसका बैकग्राउंड हमने चेंज करना है ना, कलर सिर्फ हम अगर आप लोगों ने फॉन्ट को कलर चेंज करना है ना, फॉन्ट का यानी कुछ लिखा हुआ उसका कलर चेंज करना है, वो कलर अकेला होगा, अगर आपने पीछे सारा कलर चेंज करना है तो वो बैकग्राउंड कलर होता है, अब मैं कहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर फाइल ओपन हो जाती है, तो इसका कलर क्या हो, ब्लैक हो जाए, तो यहाँ पे जाते हैं, ये सारा कलर ब्लैक हो गया, लेकिन अब वो टेक्स्ट भी हमारा मिट गया, तो आप यहाँ पे जाके कह दो कि जितने भी हमारे डीडीज है ना डेटा डिस्क्रिप्शन, उनके जो कलर हैं वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए,
ब्यूटीफुल ठीक है ये समझ आ गए अब कर लोगे अब ये सारी आपने रिकॉर्डिंग देखनी है इसको पढ़ना है अच्छी तरह।